अरे टॉवल वगैरह भी दे रहे हो क्या? अब ये क्या है ये? अपना कॉम्प्लीमेंट्री आइटम है, ये हो गया, ये परफ्यूम हो गया, और वो एड्रेनोक्स हो गया। ऐसे इसके ऑन करते हैं, स्कैन होके ऑन होता है, इसमें आपको दो तीन फंक्शन मिल जाते हैं। ठीक है, ये अपना कंप्लीट वर्क चालू, कंप्लीट ऑन हो चुकी है। भाई मैंने आप लोगों के लिए फ्लैश ऑफ कर लिया है, ये चेक करो भाई। ये कौन सी कार्डी कंपनी? हेडलाइट ऑन करना थी बात पे, ये लोबी में, ये हाई विंग। ओ भाई साहब, हर कोई भी दिखाएगा, सीट कवर की फिटिंग दिखाएगा, हर चीज दिखाएगा, लेकिन ये आर्मरेस्ट वाला सीन कोई नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसमें होता क्या है, लोगों के ना बहुत टाइट होते हैं ये, ऐसे इतने प्यार से अंदर बाहर नहीं होते। नहीं, यही चीज मैं भी दिखा रहा हूँ, हमारी कलाकारी है, इसी चीज के तो पैसे है, वरना सब एक जैसे हैं। क्या कहना है? नीचे सब आती है, सब आती है, सीट के नीचे हो गई, पीछे का डोर हो गया, यहाँ स्टोरेज में हो गई, इधर की साइड हो गई। भाई आप थोड़ा सा डिटेलिंग देख लेते हैं, मानसू भाई ने इतना बढ़िया काम कराया नहीं कराया। और इसे, और ये तो बता दो, जेट टू को 4x4 बनाया नहीं बनाया? बना दिया ना। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत कार्स। अब आप लोगों के लिए भैया बैक टू बैक बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाने के लिए, देख रहे हो रात को 1 बज रहा है, यकीन मानना रात का 1 बजे का टाइम हो रहा है, और आज आ गया हूँ मैं हिमांशु भाई के पास, इन्होंने आज 1 बजा दिया है। भाई हिमांशु भाई, थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, आज टाइम लग गया भाई, ऑटो मैजिक पे रखे रात को 1 बजे। तो हिमांशु भाई क्या बनाया आज, फिर जल्दी जल्दी बता दो आज। ये जो हमारा वेरिएंट था, जेट टू वेरिएंट था, ठीक है, अब इसमें तो अपना मेन जो था लग्जरी इंटीरियर था, इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ कराया आपने, सब कुछ ही करा। अंदर तो बाद में ही चलेंगे, हमेशा आगे से शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले, तो आगे से बता दो इसी बात पे क्या कराया आपने। ये ओ भाई साहब, जेट टू था, जेट टू, हाँ जी हाँ जी, इसको हम अब जेड एल से भी ऊपर बना दिए, ठीक है, जैसे कि अपना महिंद्रा का तुम्हारा फॉग लाइट, ओरिजिनल फॉग लैंप जो लगाते हैं, फॉग लाइट, ठीक है, वो भी चेकआउट कराता हूँ, जेन्युइन स्विच भी दिखा दो इसी बात पे। यहाँ से देखो भाई, ओरिजिनल स्विच से कर रहे हैं, हमारा फॉग लाइट हेडलाइट का है, ठीक है, और ये वाला हमारा फॉग लाइट, फॉग लाइट का है। तो फॉग लाइट ऑन करेंगे तो भाई इसका ओरिजिनल फॉग लाइट का थ्रो ऐसा है, हेडलाइट ऑन करना इसी बात पे, ये लो बीम है, ये हाई बीम। ओ भाई साहब, लो बीम हाई बीम, लो बीम हाई बीम, चलान वलान कटवाने का इरादा है क्या? नहीं, चलान नहीं होगा भैया, नहीं होगा, बस आप लिमिट में चलाओ, हम दूसरे के आंख पे देंगे तब आएगा चलान। सही बात है, तरीके से चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 200-300, एक मिनट एक मिनट, हिमांशु भाई लाइट में तो आपने मतलब मजे बांध दिए, लगा लो बहुत बढ़िया लाइट लगाई है आपने। ये अपने 180 वाट में रहते हैं, 2 साल की रेगुलेशन, इसकी गारंटी आती है, ठीक है, 180 की, कितने की लगा रहे हो भैया? अपना स्टार्टिंग तो 2500-3000 से जाती है, बाकी जैसी क्वालिटी, जैसे वार्ड, जैसे वारंटी लेते हैं वैसे प्राइस होते हैं, ठीक है। पर एक चीज है हिमांशु भाई, जैसे इस लाइट का थ्रो है, मतलब आप ये लगा लो लो बीम हाई बीम, अगर आदमी ने इसके अंदर ये बढ़िया वाली लाइट लगवा लिया ना, तो फॉग लैंप के बारे में मुझे लगता है सोचने की जरूरत नहीं है। इसके आगे जीरो है, हाँ, जो हेडलाइट है उसकी, जो इसमें लगा दो जेड एल जो आता है, फेल है इसके आगे। ये बात तो मानूंगा मैं आपकी, ये बात तो जायज है आपकी। हाँ, अगर लुक वाइज जाना है, जिनको रोशनी से कोई मतलब नहीं है, लुक चाहिए उनको, हाँ हाँ हाँ, उनके लिए टॉप मॉडल है, जिनको रोशनी चाहिए लुक भी चाहिए, वो तो हमारा फॉग लाइट लगने से लुक आ ही जाता है, रोशनी चाहिए तो लाइट में एलईडी लगवा लो, क्योंकि फॉग लाइट का भी अभी मैंने थ्रो देखा है तो कोई खास नहीं है। अच्छा अच्छा, लुक के लिए पैसा खर्च होता है, बाकी लाइट आपने लगाई है, ठीक है। उसके अलावा हम इसमें बुलगार्ड डाले अपना फ्रंट का, ये बुलगार्ड लगाया आपने, डिफ्यूजर बोल सकते हैं, फ्रंट डिफ्यूजर, ठीक है। इस पे स्कॉर्पियन भी लिखा है ना, स्कॉर्पियन भी है, और एमटेक ब्रांड का रहता है, एक हैवी क्वालिटी, और गाड़ी को आगे से थोड़ा बल्कि लुक दे देता है। एबीएस मटेरियल में होता है ये अपना, एबीएस मटेरियल, और इसमें मतलब बढ़िया एकदम इसको चिपकाते हो, नट टाइट करते हो, क्या करते हो? दोनों चीज, पेस्टिंग भी होता है, उसके बाद ये नंबर प्लेट के नीचे वोल्ट भी लगता है, डबल प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये कितने का लगा रहे हो बुलगार्ड? ये भी अपना 5500 का भी है, 7000 का भी है, 9000 का भी है, जैसे आता है, मल्टीपल वैरायटीज है, बहुत सारे ब्रांड, आफ्टर मार्केट है ये, ठीक है, ये आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज है। जेन्युइन फॉग लाइट आपको मिल जाता है 6500 रुपए का, कंप्लीट बेस्ट टू टॉप पे, आपको बेस्ट टू टॉप पे, ठीक है। और लाइट आपने बता दी 180 वॉट की, आपके पास अलग अलग प्राइस की अवेलेबल है। ग्रिल क्रोम लगा दिया, ग्रिल पियानो इसमें कर दिया हमने, ग्रिल क्रोम अपना महिंद्रा का जेन्युइन 7 स्लॉट्स रहता है, जो अपना रिप्लेसमेंट पार्ट के अंदर रहता है, ठीक है। ये आपने ग्रिल चेंज कर दी, फ्रंट के अंदर अपना सारा काम हुआ है, ठीक है। इसकी प्राइसिंग आपको बात करो तो ग्रिल पियानो पर जाता है आपको 3000 रुपये, और ग्रिल क्रोम पर जाता है आपको 2800 रुपये। तो ये दोनों चीजों का प्राइस बता दिया है। उसके अलावा साइड पे इसमें आफ्टर मार्केट भी अपना खुद ही डलवाए थे अलॉय व्हील, ठीक है, ताकि अपने पास महिंद्रा का जेन्युइन ऑप्शन भी रहता है, जिनको जेन्युइन में जाना है, जेन्युइन में जाना है तो उनके लिए भी होता है, बाकी आफ्टर मार्केट जाना है हम आपको दिलवा देंगे यहीं पर खड़ी गाड़ी में लग जाएगा। और 17-18 कितने का लगा के दे रहे हो? बेस्ट टू टॉप आपको 17 इंची महिंद्रा जेन्युइन 40000 रुपए का, 18 इंची 51500 रुपए, 51500 का है। और टायर का क्या डिफरेंस ले लोगे? वो गाड़ी कितना चला हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हो गया, ये लॉक करने पे फोल्ड हो गया, अनफोल्ड हो गया, ये चाबी से भाई ने कर दिया है, ठीक है। उसके अलावा साइड प्रोफाइल के अंदर मुझे रूफ रेल नजर आ रही है, ये विंडो क्रोम जो ब्लैक आता है उसको भी हमने क्रोम में कर दिया, जेड एल में आता है, रिप्लेसमेंट पार्ट के अंदर रहता है, जो ठीक है, स्क्रीन सिस्टम मिल जाता है।
जैसे कि हमने दिखाते हैं भाई आपको यहाँ पे ये पेंच टाइट होता है और पक्का काम हो जाता पक्का है, पक्का काम होता है क्योंकि ये महिंद्रा जो है ना पक्के वाला चीज तो है, महिंद्रा डबल प्रोटेक्शन देता है। हाँ जी ठीक है। और साइड प्रोफाइल के अंदर इसकी प्राइसिंग आपको मिल जाता है 5500 रुपए, पीछे का दो पीस पेस्टी होता है, 4 पीस रिप्लेसमेंट होता है, आगे का 4 पीस रिप्लेस होगा होता है और पीछे का 2 पीस पेस्टी होता है। ठीक है, अपना महिंद्रा जर्मन के अंदर आता है। मिरर की आपको प्राइसिंग की बात करो तो पड़ जाता है आपको 11000 रुपए का, दोनों साइड का मिरर कंप्लीट 11000 में। फोल्ड अनफोल्ड भी करोगे? सब कुछ, सब बटन फोल्ड अनफोल्ड वन फोल्ड सब A to Z, बाद में कोई हिडन चार्ज नहीं रहेगा। इसके बाद हमारा हैंडल पेंट हो गया इसमें, ठीक है, पियानो ब्लैक में हो गया, ब्लैक में जो हमारा बॉडी कलर होता है। साइड क्लैडिंग हमने इसमें सिल्वर कर दिया, महिंद्रा का जो हमने फुटरेस्ट लगा दिया, ये चढ़ गए हिमांशु भाई और ये पूरी स्कॉर्पियो हिला दी। ठीक है और इसमें हमने महिंद्रा का जर्मन रूफ रेल ड्रिल सिस्टम रहता है, देख सकते पूरी गाड़ी हिल जाएगी लेकिन रूफ रेल कहीं नहीं जाएगा, रूफ रेल कहीं नहीं जाएगा, गाड़ी हिला देंगे। ठीक है, उसके अलावा ये आई पॉप्स भी लगे हैं छोटे से, ये प्रोटेक्शन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री आइटम रहता है, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री रहता है। और इसे और ये तो बता दो जेट टू को 4x4 बनाया नहीं बनाया? बना दिया ना, बना दिया, नहीं इसको नहीं बनाया, इसको 4x2 वो भी भाई कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, वो सब चीजें लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए जिनको नहीं चाहिए। इसमें एड्रेनोक्स लगा हमने खाली, अच्छा एड्रेनोक्स तो इसके अंदर भाई ने इंस्टॉल कर ही दिया, जो महिंद्रा बेस मॉडल में नहीं कर पा रही। सही है, हमने इसमें अपना महिंद्रा का जर्मन रूफ रेल लगाया, जो ये भी अपना बोल्ट सिस्टम होता है, देखो प्रॉपर कंप्लीट पेस्टिंग वाली सिस्टम, ओ सॉरी नट बोल्ट वाला सिस्टम है ना, नट बोल्ट का सिस्टम रहता है ये भी। ठीक है, डमी वाइपर मिल जाता है आपको देखने के लिए बेस्ट मॉडल में, वर्किंग भी हो जाएगा ना, वर्किंग भी हो जाएगा, वर्किंग भी हो जाएगा, दोनों आपको 1000 रुपए का पड़ता है, वर्किंग आपको 6500 रुपए का पड़ता है वेस्ट टू टॉप। अच्छा ठीक है, बैक कैमरा इसमें हमने लगा दिया ब्लोकंग दिया 05 का जो हम लगाते हैं हर गाड़ी में, आपको क्वालिटी अंदर दिखाऊंगा। हाँ जी, उसके बाद बम्पर को हम लगा दिया है, आफ्टर मार्केट रिफ्लेक्टर लगा दिया, एसकिट सिल्वर कर दिया, बुलगार डाल दिया क्योंकि आपको जला के दिखा। हाँ जाओ आप ऑन करो, लास्ट वाली जो मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली जो दिखाई थी वो पूरी ब्लैक करी थी, तो उसके अंदर ये चीज नहीं लगाई थी, पर ये चीज थी, ये देखो भाई स्कैनिंग फीचर के साथ में आएगी इस तरीके से, ऐसे स्कैन ऑन करते हैं स्कैन होके ऑन होता है, इसमें आपको 2-3 फंक्शन मिल जाते हैं। ठीक है, ये अपना कंप्लीट वर्क चालू, कंप्लीट ऑन हो चुकी है अभी, अब इंडिकेटर वगैरह दो, ब्रेक ब्रेक सब पे चलने वाली है। एक बार देखो आपको मानसू भाई ऑन भी मतलब इंडिकेटर देके दिखा देंगे, अब अच्छा ब्रेक पे भी ग्लो कर रही है। अब जैसे Z8L के अंदर सीक्वेंशियल इंडिकेटर आता है ना, वो वाला सीक्वेंशियल इंडिकेटर इन्होंने इसके अंदर लगा दिया, मैट्रिक्स वाली जो लाइट रहती है ऐसे प्रॉपर, मतलब जितनी बार इसको दबाओ उतनी बार स्कैन करती है प्रॉपर, है सही है, ये चीज़ प्रॉपर कंप्लीट बाहर की है। ये जो लाइट है ये व्हाइट करी है, अति व्हाइट है, इसमें अति व्हाइट है, अच्छा इसमें अति व्हाइट है, मतलब अपनी हर गाड़ी में ये चीज बढ़िया देती है, इस पे पैसे नहीं काटती महिंद्रा। चले अंदर, हाँ जी चलो अंदर से दिखाता हूँ भाई मैं आपको इंटीरियर क्या, वो दिखाता हूँ आपको। ठीक है भाई, इस गाड़ी का इंटीरियर देखने लायक है, दिखा दो हो जाए फिर ये देख दो भाई, मैं फ्लैश ऑफ करता हूँ आपके लिए भाई, मैंने आप लोगों के लिए फ्लैश ऑफ कर लिया, ये चेक करो भाई, ये कौन सी कार्डी कंपनी की होती है? ये कार्डी की आती है, ठीक है, अपना प्रॉपर स्कॉर्पियो एन के लिए ही है, जिसमें कि ये पैनल चेंज होते हैं ना, ये पूरा पैनल चेंज होता है, अपना हैंडल में आता है, स्टोरेज लैंप में आता है। ठीक है, मतलब ये 3 पीस ही हो गए, उसके अलावा भाई यहाँ पे रनिंग करती है, दो डैशबोर्ड पे है, 2 पीस ही अपना फिर स्टिप आ जाता है डैशबोर्ड के, चारों पैर में 20 पीस के अंदर आता है, और ये भी लगा दिया स्कॉर्पियो एन की, स्कॉर्पियो एन का वेलकम लाइट भी लगा दिया हमने पीछे, और इसमें डैम्पिंग भी हो रखा है पूरा। ठीक है, डैम्पिंग चेक कराएंगे, पर उससे पहले एक बार वो दिखाते हैं जो हम दिखा रहे हैं, ये एम्बिएंट लाइट। हाँ जी, ये देखो भाई, अच्छा ये सीट वीट के नीचे सब आती है, सब आती है, सीट के नीचे हो गई, पीछे का डोर हो गया, यहाँ स्टोरेज में हो गई, इधर की साइड हो गई, भाई आपको अच्छे से एम्बिएंट लाइट दिखे इसलिए मैंने फ्लैश ऑफ कर रखी है। अभी मानसू भाई आप डैम्पिंग की बात कर रहे थे, हाँ जी ये जो हमारा नॉर्मल है उसमें डैम्पिंग भी कर दिया, हाँ ये नॉर्मल लोहा है, जिनको वूफर लगाना तो इसमें भी होता है, जिसके लिए सब वूफर लगाते हो आप तो लगाते हैं, जैसे मैं स्टॉक में कस्टमाइज करके लगाते हैं ना, हाँ अपना स्टॉक जगह बचाने के लिए, ठीक 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 लगाते हैं, इसके अंदर डैम्पिंग कर देते हैं प्रोटेक्शन के लिए, कि अच्छा साउंड आए। डबल लेयर करते हो आप? डबल लेयर करते, कौन सी डैम्पिंग करते हो? बहुत सारे ब्रांड से भैया, जैसे कि आप ले लो, जैसे आपका बजट स्टार्टिंग कितने से हो जाती है? 550-600 से पर सीट, आपको पर सीट स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। इंटीरियर में हमने जैसे हमारा जो भी ब्राउन पार्ट्स था, ये दरवाजे का स्कॉच टेप हमने लेदर राइट कर दिया, कोई पेंट नहीं है, ये लेदर राइट है, प्रॉपर लेदर रैप्ड है। हाँ जी, उसके बाद आप फिनिशिंग चेक करो कहीं से, आपको ये देखो साइड से चाहे कहीं से अभी आपको कॉर्नर नहीं दिखेगा मुड़ा हुआ, चाहे सही कह रहे हो आप, ये थ्रेड भी अपनी जगह पे चल रहा है कॉर्नर पे, हाँ जी, और इसके अंदर कुछ नहीं है, हमारा सॉफ्ट टच हो गया। ठीक है, स्विच प्लेट हमने महिंद्रा का जर्मन लगा दिया है, इनर हैंडल महिंद्रा जर्मन लगा दिया, और ग्रैब हैंडल तो हमारा एम्बियंस, ये भी आपने महिंद्रा जर्मन लगाया ना, महिंद्रा जर्मन, हाँ ये ओरिजिनल है, और आपने बताया था पहचान रहती है इसकी, ये प्रॉपर ये जो रेड होता है ना इसकी, हाँ ये प्रॉपर, मतलब ये कंप्लीट है, महिंद्रा जर्मन हो गया आपका,
और कोई लोग कुछ लोग इसमें वो पियानो ब्लैक भी ले लेते हैं, जैसे आपका बजट है वैसे आप करवा सकते हो। अगर थोड़ा लुक पे जाना है तो इसको पियानो भी करवा सकते हो, उसमें थोड़ी लुक अच्छी आ जाती है। ठीक है, तो ये पूरा होगा, इसके बटन भी आप चेंज कर देते हो अगर चाहिए तो। बटन चाहिए तो आप वो भी करवा सकते हो, हमारा बटन स्टॉक है, मिरर का बटन हमने लगा दे दो। ठीक है, मिरर अंदर से देखो फोल्ड हो गया, अभी अपना अंदर से अनफोल्ड हो गया है। हाँ जी, और ये रोटेटरी नोव जो रहती है आपकी ये वाली, इसको राइट साइड करके आप ऐसे ऊपर नीचे अंदर बाहर सब कुछ आप कर सकते हो, प्रॉपर वर्किंग रहने वाली आप फील ले सकते हो। जेट टू के अंदर बाकी ट्विटर से हमने लगा दिया, इसमें ट्विटर भी लगा दिया। तो इसकी कैप चेंज करते हो पूरी वाली, कैप चेंज होता है। अच्छा, चार पीस कहाँ का, एक यहाँ पे, एक ये है, एक उस साइड है, और इसके एक पीस में दो है। अच्छा अच्छा, एक पीस में दो आता है। ठीक है, अब ये तो हमने दिखा दिया था, आपको लग्जरी सेगमेंट इंटीरियर देखो। इसे एक बार नीचे करना, अब बस 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 इतना कर दो भाई। एक बार आप लोग इसका इंटीरियर चेकआउट करो, इसके ना ए बी सी पिलर, डैशबोर्ड, स्टेयरिंग विस्टेयरिंग सब कुछ एक बार कम्प्लीटली अगर आप लोग चेकआउट करोगे ना, ये देखो यहाँ से। अभी आप लोगों को हो सकता है कलर ना थोड़ा वीडियो के अंदर ना लाइट दिख रहा होगा, बट मैं रियल लाइफ में ना अच्छा कलर लग रहा है, काफी बढ़िया रहने वाला है। ये पूरी रूफ भी ब्लैक करी है, अरे वाह। तो हिमांशु भाई ऐसा हाई फाई इंटीरियर कितने का बना रहे हो, एकदम लग्जरी वाला ऐसा इंटीरियर? तो भैया क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, 45,000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें अपना कंप्लीट है अंदर का सॉफ्ट टच, लेदर राइट, सीट कवर, फ्लोरिंग, छत, पिलर वगैरह सब कुछ, मैट भी, हाँ मैट वगैरह सब इंक्लूड है इसके अंदर 45 में से स्टार्ट है। बाकी हाँ। जैसे आप क्वालिटी लेते हो 55, 60, 70 अलग अलग कपड़े की क्वालिटी, अलग अलग आपको रेंज मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा डिटेलिंग देख लेते हैं, मानसू भाई ने इतना बढ़िया काम करा है नहीं करा। तो मानसू भाई दूसरी साइड आएंगे, आप ऊपर की तरफ से देखो, ये हो गए भाई आपके सीट कवर, यहाँ से आपका बकेट फिट हो गया, परफोरेशन का भी पूरा ध्यान रखा है, नीचे की तरफ से आपका थाई सपोर्ट वगैरह भी पूरा ध्यान रखा है। फिटिंग के मामले में तो मानसू भाई कोई शिकायत मुझे नजर आ नहीं रही है, क्या कहना है आपका? हमारे पास होगा तो किसी भी सीट कवर में आपको फिटिंग का शिकायत नहीं मिलेगा, है ना? चाहे आप कस्टमाइज करवाओ या अपना रेडीमेड जो हमारे पास स्टॉक रहता है टॉप मॉडल वो ले लो। और ये और सबसे मेन चीज होता है ये आर्मरेस्ट का, ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो निकल गया हमारा आसानी निकल से। गया ये देखो लग गया, गया। आपको हर कोई भी दिखाएगा सीट कवर की फिटिंग दिखाएगा, हर चीज दिखाएगा, लेकिन ये आर्मरेस्ट वाला सीन कोई नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसमें होता क्या है लोगों के ना बहुत टाइट होते हैं ये, ऐसे इतने प्यार से अंदर वार नहीं होते हैं। सही कह रहे हो आप। और ये हैंड ब्रेक के ऊपर ये अलग से मतलब डिमांड किया आप लोग? नहीं, भैया का डिमांड था कि ये अच्छा ये हो गया। अच्छा, इनके ऊपर भैया का डिमांड था कि हमें ऐसे इस तरीके से करके दे दो, मतलब ये खाली खाली ना दिखे, क्योंकि आपने मुझे लगता है ये ए पिलर ये सब पेंट है क्या इसके ऊपर? ये पेंट है हमारा। अच्छा, ये पेंट रबर पेंट जो होता है वो होगा? ये रबर पेंट है इसकी, आप 3 साल की गारंटी मिल जाती है। ये छत भी हो, अच्छा छत पूरी वेलवेट लगा, वेलवेट लगा हुआ है पूरा, प्रॉपर बर्फी वाला डिजाइन भी काट रखा है आपने इसके अंदर, है ना? और अच्छा ये भी कर रखे हैं, अटेंशन टू डिटेल देखो भाई, आपके जो ग्रैब हैंडल है वो भी कर रखे हैं, मतलब जितना भी ब्राउन पार्ट था ना हाँ, उस सबको सारा हटा के हमने मैंगो कलर में कर दिया। मैंगो मतलब डुअल टोन में, डुअल टोन में जो हमारा ये अपना ऑफ व्हाइट था। ठीक है, और ये डैशबोर्ड हो गया, इस पे भी कपड़ा लगाया होगा आपने जो करते हो? सॉफ्ट टच है जैसे हम हर गाड़ी में करते हैं। हाँ। ये कोई लेदर राइट नहीं है, ये लेदर राइट नहीं है, प्रॉपर आपका जो सॉफ्ट टच रहता है वो चीज आपने करके दिया है। और उसके अलावा सेंटर कंसोल के अंदर आपने क्या करा है? हमारा स्टूडियो का फ्रेम पियानो ब्लैक हो रखा है। ठीक है, ये अपना पेंट प्रोसेस रहता है, ये हमारा गियर कंसोल भी पेंट प्रोसेस के अंदर रहता है। तो हिमांशु भाई इसके ऊपर नहीं आता वाला ऑप्शन, जैसे ये कार्डी कंपनी ये बना रही है, एम्बिएंट लाइट इसमें नहीं आती है? इसके अंदर नहीं आता। और ये पूरी एम्बिएंट लाइट का ऐप कंट्रोल रहेगी क्या रहेगा? ऐप कंट्रोल ही होता है, कोई भी कलर कर रहे हो ऐप कंट्रोल सब में एक साथ चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसकी कुछ गारंटी रहती है? एक साल, वन ईयर की। ठीक है, और ये चीज भी नहीं आती इसके अंदर मेरे हिसाब से? तो सोल्डर नहीं आता, ये भी हमने लगा दिया इसमें, ये आपने लगा दिया, ये लाइट वाइट हो गई। और इसमें ओरिजिनल और डुप्लीकेट सनग्लास होल्डर की पहचान तो बता दो। ये बटन, डुप्लीकेट में बटन नहीं आएगा, ओरिजिनल में बटन, ओरिजिनल में ये देखो जो कहते हैं ना भैया ओरिजिनल में गैप आता है। हाँ ये देखो हमारे पास फिटिंग, गैप तो मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा, कौन कह रहा है ऐसी फालतू की बातें? नहीं नहीं, लोग कहते हैं जिनको लगाने नहीं आता है, कहते हैं ओरिजिनल लगवाओगे गैप आएगा, ये आएगा। मुझे तो कोई गैप नजर नहीं आ रहा, कुछ नहीं आता, पूरा प्रॉपर करके देते हैं जो भी करते हैं पूरा। भाई मैं पास से दिखा रहा हूँ आपको, इससे पास से ज्यादा देखो और कुछ हो नहीं सकता है। और आपको प्रॉपर भाई गैप वैप कुछ नहीं नजर आने वाला इसके अंदर में। और ये चीज भी करी गई है, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दे। ओफो, डिटेल्स की बात करी जाए तो भाई ये पोर्शन भी देख रहा हूँ छोटा सा, इस पे भी पेंट करा गया है अपना आर्मरेस्ट सॉफ्ट टच रहता है। ये भी देखो सिलाई भी अपना ठीक है, प्रॉपर आपको मिल जाता है, कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं, कोई कमी पेशी नहीं लग रही है, कोई कमी नहीं मिलेगा आप हमारे पास। तो और प्रॉपर पीछे की तरफ है आपने 90 मैट्स है, कौन से हैं? 70 मैट, सॉरी हाँ 70 फुल ब्लैक 70 मैट भी डाला है। इधर से दिखाता हूँ मैं थोड़ा अच्छे से, है ना, ये फुल ब्लैक आपके 70 मैट्स होगा। और नीचे फ्लोरिंग तो ऑलरेडी है ही है, स्टीयरिंग कवर जो मून डिजाइन के अंदर रहता है, और ये हब भी हम लेदर राइट करते हैं। ठीक है, आपको एनहांस करता है, एनहांस कर देता है। लोगों के पास देखो फिट एंड फिनिश देखो भाई आप लोगों को, लोगों के पास वो चेक करो, यही चीज मैं भी दिखा रहा हूँ, हमारी कलाकारी है, इसी चीज के तो पैसे हैं।
वरना सब एक जैसे हैं, क्या कहना है। और इधर से आप कॉर्नर की भी फिटिंग चेकआउट कर लो भाई, आपके जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स है ना प्रॉपरली अंदर की तरफ टकी ना, हमने अपने इसमें पियानो ब्लैक लगाया, ठीक है, जैसा 700 के अंदर आता है, फिर इसके टॉप मॉडल में भी इसमें भी तो आता है, ऐसा मैट ही आता है इसमें, इसमें आता ही नहीं है, मैट आता है ये तो, फिर बट मैट आता है, मैट आता है ना, तो ये तो फिर हिमांशु भाई मुझे ऐसा लगता है आपने जेडेड लग्जरी से भी ऊपर का एक काम कर दिया, काम कर ही दिया भैया, क्योंकि ये तो एक्सयूवी 700 में आता है, ये 700 में आता है, इसमें तो मैट आता है, तो भाई ने ये भी लगा दिया है, और ऐसा नहीं सिर्फ लगाए हैं भाई, चलते हैं जरा इसे मैं बंद कर दूं, गाना चल गया है, म्यूजिक में भी कुछ करा है नहीं, म्यूजिक स्टॉक है, स्टॉक रखा है, ज्यादा कुछ नहीं है उसके अंदर, डैम्पिंग कर, बस डैम्पिंग हुआ है, ठीक है, तो ये सारे बटन वर्क करेंगे, इधर की तरफ MID भी शिफ्ट हो गई है क्या, शिफ्ट हो गई, एक मिनट अभी चेक करते हैं भाई, ये मैंने बटन दबाया, अरे वाह प्रॉपर कंप्लीट MID भाई, अब मेरे यहाँ से टॉगल कर रही है, मैंने देखो आप लोग चेकआउट करो, इधर की तरफ से हटा दिया है, तो जो MID शिफ्ट करते हो, स्टीयरिंग कंट्रोल लगाते हो, इसके क्या पैसे ले रहे हो, 5500 भैया, और उसी में MID शिफ्ट भी कर देते हो, उसी में MID के लिए कोई अलग से पैसा नहीं, कोई नहीं अपना, अरे वाह यार, बटन वर्किंग वगैरह सब कुछ मिल जाता है 5500 में, 5500 में आपके जो यहाँ के बटन है ना, देखो पहले आपकी जो MID है वो इन बटन से, इन चार बटन से चलती थी, अब ये चार बटन उठा के आपके लिए भाई यहाँ पे लगा दिए गए हैं, क्रूज तो इसमें नहीं चलता है महिंद्रा में, वरना आपके ये जो बटन है ये सारे प्रॉपरली अच्छे से वर्किंग रहने वाले हैं, और ये भाई आपको हिमांशु भाई ने पहले दिखा दिए थे, पर एक चीज है हिमांशु भाई, जब तक ये बटन अंदर के पियानो ना हो ना थोड़ा मजा नहीं आता है, ये मैट थोड़े ना मतलब अलग अलग से दिखते हैं, अलग है से दिखते हैं, बट अब जैसे आपका पसंद है, थोड़ा पैसा भी बचता है कस्टमर का, उस चीज का भी तो हमें ध्यान रखना है ना, बटन हमारा थोड़े महंगे भी होते हैं, अकेला बटन ही मतलब थोड़ा महंगा पड़े, पांचों बटन है, अब बताओ तो फिर उसमें कस्टमर का भी तो भाई ध्यान रखते हैं भाई, ऐसा नहीं कि कस्टमर को लूटने वाला काम हो, अब मैं आपको लाइट दिखाता हूँ, ये हो गई भाई मेरी लो बीम ऑन हो गई है, अब मैं इसको करता हूँ हाई बीम पे, ये देखो हाई बीम भाई, हिमांशु भाई लाइट में तो मजा आ गया, ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना, अगर मैं इस गाड़ी को हाईवे पे लेके निकलूंगा ना, मुझे 1% लाइट की कमी नहीं लगने वाली है, जी। है ना, इस चीज में तो मतलब कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, अरे टॉवल वगैरह भी दे रहे हो गया, अब ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री आइटम है, ये हो गया, ये परफ्यूम हो गया, और वो एड्रेनॉक्स हो गया, 4x4 लगाना हो गया गाड़ी को, जेट 2 से 4x4 बनाना हो गया, सब कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर आप इतना काम करवाओगे ये तो अपना मायने नहीं रखता, तो भैया आपका क्या नाम है, जहांगीर अली, जहांगीर अली, तो भैया आप कहाँ से आए हो, जयपुर राजस्थान, जयपुर राजस्थान, तो आपको कैसे मिला यहाँ का रेफरेंस, बढ़िया है, मतलब यहाँ के लिए आपको किसने बताया कि आप ऑटो मैजिक पे चले जाओ काम कराने, इनका वीडियो देखा था, वीडियो इनका हिमांशु भाई का, इनके छोटे वाले भाई है, अच्छा ठीक है, तो ओवरऑल कैसा है इनका मतलब काम वाम कैसा रहा, काम वाम बढ़िया रहा, काम बढ़िया रहा, सारे मेहनती लड़के हैं, और जैसा आपने बोला कि भाई ये चीज ऐसे कर दो वो चीज वैसे कर दो, तो आपकी सुनवाई हुई, बढ़िया बढ़िया हुई है, रेट कैसा लगा रहे हैं ये, ठीक ठाक लगा, ठीक ठाक लगा रहे हैं, मतलब आपको खुश करने वाला काम कर रहे हैं, नहीं अगर कोई कोई भी बंदा आता है अपनी गाड़ी लेके तो प्रॉपर मतलब काम से सेटिस्फाई होके जाएगा बंदा, उस चीज में कोई दिक्कत नहीं है, अब जैसे आपने लाइट्स वगैरह इतनी बढ़िया बनवा लिया, तो लाइट्स के बारे में क्या कहना है आपका, रोशनी फर्स्ट क्लास हो गई है एकदम, और थोड़ा इंटीरियर के बारे में बताओ, आपको इंटीरियर कैसा लग रहा है गाड़ी का, बढ़िया लग रहा है, इंटीरियर बढ़िया लग रहा है, भाई ने सजेस्ट किया था, अच्छा भैया ने सजेस्ट किया था, और ओवरऑल मतलब जो आउटपुट आया बढ़िया निकल के आया है, ठीक है, तो मतलब आप रिकमेंड करोगे, डेढ़ बजने वाला हो रहा है भाई, 10 बजे आए थे, हाँ क्वालिटी वाले काम में थोड़ा टाइम लग जाता है ना, बस वही एक थोड़ी सी चीज है, बाकी ओवरऑल आप मतलब किसी को रिकमेंड करोगे काम कराने के लिए, ओवरऑल तो मेरी 2 गाड़ी मैं लेके आऊंगा, अच्छा अपनी और 2 गाड़ी आप लेके आएंगे, तो ठीक है, तो भैया थैंक यू, तो ऐसा कुछ भैया का आउटपुट था, तो हिमांशु भाई के पास, आप में से अगर कोई भी आना चाहे काम कराने के लिए, भाई ने दिखाई दिया है, मैजिक कार डेकोर क्रोलबाग 17 पूसा रोड, 17 पूसा रोड, गूगल मैप की लोकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ये अपना करीम फूड रेस्टोरेंट, सिटी हॉस्पिटल सामने, सब देख लो भाई, सब दिखा दूंगा, मेरे सामने रेड लाइट, गंगाराम हॉस्पिटल, अच्छा जी, नीचे उतरते आपको पहली दुकान मिल जाएगी ऑटो मैजिक, ट्रैफिक का दिक्कत ना कुछ दिक्कत ना, और दूसरी चीज लोकेशन आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर देना।